हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस वीडियो विल बी ऑन बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरैक्शंस। टू अंडरस्टैंड द बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरैक्शंस, वी हैव टू नो अबाउट द लिमिटिंग फैक्टर्स। सो लिमिटिंग फैक्टर विल बी एनी फैक्टर विच लिमिट द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अ लिमिटिंग फैक्टर इज दैट सब्सटेंस ऑफ क्वालिटी इन द एनवायरमेंट, the supply of which is least abundant or overabundant in relation to the need of the living organism concerned. Okay, तो limiting factor कोई भी factor हो सकता है जो organism के growth को limit करेगा, और ये limiting factor environment में least abundantly present है या फिर overabundantly present है, which is totally depend on the need of the living organism. So on the basis of population density, limiting factors are of two types. First one is the density dependent limiting factor, and the second one is the density independent limiting factor. The density dependent limiting factor, इसमें कोई भी ऐसा factor जो directly organism के number के ऊपर, that means उसके population के density के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होगा, उसे बोलेंगे डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, एक लिमिटिंग फैक्टर है दैट इज फूड। सो फूड सप्लाई इज डेंसिटी डिपेंडेंट। हायर द पॉपुलेशन डेंसिटी, लोअर फूड विल बी अवेलेबल टू ईट एंड हायर विल बी द फूड स्कैरिसिटी। ओके, तो यहाँ पे फूड जो लिमिटिंग फैक्टर है वो टोटली डिपेंडेंट किस पे है, पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है ऑर्गेनिज्म की, सो फूड विल बी लेस अवेलेबल। सो सेकेंड टाइप इज द डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पे क्या होगा, जो भी लिमिटिंग फैक्टर होगा वो पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। सपोज वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ फ्लड। यहाँ पे फ्लड है दैट इज डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे अगर पॉपुलेशन कम है या ज़्यादा है, इसके ऊपर ये जो लिमिटिंग फैक्टर है वो इंडिपेंडेंट है। फ्लड क्या करेगा, एंटायर पॉपुलेशन को वाइप आउट कर देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पॉपुलेशन नंबर ज़्यादा है या कम है। बिसाइड द लिमिटिंग फैक्टर, कुछ ऐसे अदर फैक्टर्स हैं दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, द एनवायरमेंटल फैक्टर में भी अबायोटिक और बायोटिक। सो ये फैक्टर में भी अबायोटिक हो सकते हैं दैट इज नॉन लिविंग, या फिर लिविंग हो सकते हैं। सो द अबायोटिक फैक्टर्स आर आइदर फिजिकल फैक्टर्स, एग्जाम्पल लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, विंड एक्सेट्रा, एंड केमिकल फैक्टर्स दैट इज न्यूट्रिएंट्स। So the nutrients may be divided into macronutrients and micronutrients. Macro means which is required in large quantities, and micro means required in trace amount, little amount. The essential macronutrients for plants are carbon, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium and magnesium. And the essential micronutrients are boron, chlorine, sodium, copper, iron, manganese, zinc, vanadium and molybdenum. Okay, कुछ environmental factors है जैसे कि sunlight है, temperature, humidity, rainfall और wind. इन environmental factors को tolerate करने की हर एक organism के पास कुछ limit होती है, या फिर ऑप्टिमम रेंज होती है टॉलरेंस की। अगर टॉलरेंस की लिमिट एक्सीड हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो एग्जांपल है, ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन हाई अल्टीट्यूड्स इन माउंटेंस। ओके, माउंटेंस के ऊपर ऑक्सीजन की लेवल कम होती है। अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो ऑर्गेनिज्म इसे टॉलरेट नहीं कर पाएगा। के अनदर लिमिटिंग फैक्टर इज सॉइल। दिस लिमिटिंग फैक्टर इन्फ्लुएंसेस इनडायरेक्टली द एनिमल पॉपुलेशन थ्रू द प्लांट्स।
ओके, वी नो दैट कि एनिमल्स प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, और प्लांट्स कहाँ पे ग्रो होते हैं? ऑन द सॉइल. अगर सॉइल में ही न्यूट्रिएंट्स कम हैं, तो अल्टीमेटली प्लांट्स में भी न्यूट्रिएंट्स कम पाए जाएंगे, और इन प्लांट्स को जो एनिमल कंज्यूम कर रहा है, अल्टीमेटली उसे वो न्यूट्रिएंट्स कम प्रोवाइड होंगे. ओके, तो यहाँ पे सॉइल इनडायरेक्टली एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट शो कर रहा है. नेक्स्ट लिमिटिंग फैक्टर इज वाटर. ऑल द प्लांट्स रिक्वायर वाटर टू सपोर्ट देयर एक्टिव ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. सम प्लांट्स कैनॉट टॉलरेट मॉइस्चर डिफिशियंसी इवन फॉर अ ब्रीफ पीरियड एंड विल ड्रूप एंड डाई. यहाँ पे वाटर है, वो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट शो कर रहा है. वाटर यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है, एंड वी नो दैट कि विदाउट वाटर प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव. तो अगर वाटर डिफिशियंसी है, तो अल्टीमेटली प्लांट डाई हो जाएंगे. सो हियर वी हैव सीन थ्री अबायोटिक लिमिटिंग फैक्टर्स विच वर इंट्रैक्टिंग विद द बायोटिक फैक्टर्स. सो नेक्स्ट लिमिटिंग फैक्टर इज बायोटिक फैक्टर. सो बायोटिक लिमिटिंग फैक्टर विल बी इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, एनिमल एंड प्लांट्स के ग्रोथ के ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे बायोटिक फैक्टर. आउट ऑफ ऑल द बायोटिक फैक्टर्स, फूड सप्लाई फॉर द एनिमल इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, तो यहाँ पे फूड है, वो बायोटिक लिमिटिंग फैक्टर है, जो डायरेक्टली एनिमल पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट शो कर रहा है. अनदर बायोटिक लिमिटिंग फैक्टर इज प्लांट इट्सेल्फ. ओके, वी नो कि एनिमल प्लांट्स को ईट करते हैं. ओके, एक एरिया है, वहाँ पे प्लांट ईटिंग एनिमल्स प्रेजेंट हैं. अगर वहाँ पे प्लांट्स का अबंडेंस कम है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे एनिमल्स के ऊपर इसका इफेक्ट होगा. अनदर लिमिटिंग फैक्टर इज एनिमल. कुछ एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं. ओके, तो जो एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर फीड करता है, दैट इज प्रेडेटर. ओके, और जिसे फीड कर रहा है, दैट इज प्रे. तो प्रे अगर लेस अबंडेंट है, तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट किस पे होगा? प्रेडेटर पे होगा. ओके, प्रेडेटर के प्रोडक्शन पे होगा, उसे फूड कम मिल रहा है, दैट इज प्रे. सो प्रे विल बी द लिमिटिंग फैक्टर, एंड दैट इज बायोटिक फैक्टर. सो इन दिस वी हैव सीन बायोटिक फैक्टर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लिमिटिंग फैक्टर्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अ नंबर ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर प्रपोज बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, विच मे बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज. सो इन लिमिटिंग फैक्टर्स के इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लॉज प्रपोज किए हैं. सो विल सी इट वन बाय वन. फर्स्ट लॉ इज लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम. इन दिस लॉ लिबिग सजेस्टेड दैट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज लिमिटेड वेन एवर द इसेंशियल न्यूट्रिएंट वर इन शॉर्ट सप्लाई इन कंपैरिजन टू द मिनिमम नीड ऑफ द प्लांट्स. And this observation was proposed in the form of the law of minimum. Okay, तो यहाँ पे जो nutrient है, that is limiting factor, जो क्या कर रहा है, plant के ऊपर effect show कर रहा है. Okay, so ये essential nutrient है, वो जब short supply में होते हैं, तो ultimately plant के growth को limit करते हैं. Okay, so this is comparison to the minimum need of the plant. Liebig's law state that an organism require minimum quantity of a particular nutrient for its proper growth. For example, plants will either not grow at all or exhibit poor growth if any nutritive component of the soil or air is deficient. The nutrient deficiency makes the other nutrient metabolically inactive. अगर वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कम है, तो अल्टीमेटली प्लांट के ग्रोथ के ऊपर उसका इफेक्ट हो रहा है. और अगर अदर न्यूट्रिएंट उस सॉइल में या एयर में प्रेजेंट है, फिर भी वो क्या हो रहे हैं, कंज्यूम नहीं हो रहे, प्लांट्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं उन्हें, और मेटाबॉलिकली अदर न्यूट्रिएंट्स विल इनएक्टिव. द लॉ हैज़ बीन यूज्ड इन अ ब्रॉडर सेंस
to include limitations imposed by the factors of the environment, and it was modified as follows. If the factor is depleted below the critical minimum level, the organism will fail to grow or will grow abnormally. Next law to explain the effect of limiting factor is Blackman's law of limiting factor. He studied the process of photosynthesis in detail and suggested that the process is controlled by five important factors. And these factors include the availability of quantity of water, the quantity of carbon dioxide, the intensity of solar radiation, the quantity of chlorophyll, and the temperature of chloroplast. A deficiency of any of these factors will affect the rate of photosynthesis. From the above experimental observations, he suggests the law of limiting factors, which states that a biological process is controlled by a number of factors, and deficiency of any of these factors will affect the process. Okay, तो Blackman's law में Blackman ने photosynthesis process को detail में study किया और उसने क्या कहा कि कुछ five important factors है जो photosynthesis के रेट को अफेक्ट करते हैं, लाइक वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोलर रेडिएशन, क्लोरोफिल एंड टेम्परेचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ओके, अगर इसमें से कोई भी फैक्टर डिफिशियंट है, कम है, तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस का रेट है उसके ऊपर इफेक्ट होगा इसका. ओके, सो ब्लैकमैन्स लॉ स्टेट दैट कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो कोई एक फैक्टर से कंट्रोल नहीं हो रही है. ओके, सो बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स. अगर इसमें से कोई भी एक फैक्टर कम है तो कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर इसका इफेक्ट शो होगा. लिबिक्स लॉ में हमने क्या देखा था कि प्लांट की ग्रोथ है उसके ऊपर इफेक्ट होता है जब न्यूट्रिएंट वर इन शॉर्ट सप्लाई. अगर न्यूट्रिएंट शॉर्ट सप्लाई में है तो इससे प्लांट की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट होता है. बट शेल्फर्ड्स लॉ में क्या कहा है, लेस एज वेल एज एक्सेस अमाउंट ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर विल ऑल्सो इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल दिया हुआ है. वी नो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में कम है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर इसका इफेक्ट होगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो अल्टीमेटली ये प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाएगा. ओके, तो इन सारे लिमिटिंग फैक्टर्स को टॉलरेट करने की पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास कुछ लिमिट होती है. ओके, तो उसे बोलते हैं लिमिट ऑफ टॉलरेंस और जोन ऑफ टॉलरेंस. सो ये लिमिट मिनिमम टू मैक्सिमम हो सकती है. The zone beyond or prior to range of tolerance is known as zone of intolerance. According to the Shelford's law, every environmental factors has two zones, zone of tolerance and zone of intolerance. Zone of tolerance, this zone is favorable for the growth and development of the organism. Zone of tolerance include critical minimum zone and critical maximum zone. In critical minimum zone, it is the lowest minimum limit of factor below which the growth and development of organism ceases and organism becomes non-functional. Okay, so critical minimum zone है, that is lowest zone है, zone of tolerance का, जहाँ पे organism की growth cease होगी, रुक जाएगी, और या फिर organism non-functional हो जाएगा. Beside this, critical maximum zone, it is the highest maximum limit of factor above which growth and development of the organism ceases. Agar critical maximum zone hai jisme highest maximum limiting limit of factor hai, fir bhi yahan pe kya hoga, organism ki growth ruk jayegi. Then second zone is zone of intolerance. It is the zone below the critical minimum and above the critical maximum.
क्रिटिकल मिनिमम के नीचे एंड क्रिटिकल मैक्सिमम के ऊपर. ओके, दैट इज जोन ऑफ इंटॉलरेंस. सो दिस जोन इज अनफेवरेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. टू अंडरस्टैंड दिस वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वॉज अ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस. सो एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्टिमम रेंज में है तो ये क्या करेगा, प्लांट के ग्रोथ को फेवर करेगा, वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी. सो दैट विल बी जोन ऑफ टॉलरेंस. ओके, देन क्रिटिकल मिनिमम जोन में क्या होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी लेवल कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, लेवल कम है तो फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाएगा, तो प्लांट क्या करेगा, यहाँ पे उसकी ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ सीज हो जाएगी या फिर नॉन फंक्शनल हो जाएगी ग्रोथ. और दूसरी क्रिटिकल मैक्सिमम जोन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और प्लांट इसे टॉलरेट कर पा रहा है, फिर भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी. ओके, देन जोन ऑफ इनटॉलरेंस में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए टॉक्सिक हो जाएगा. ओके, इन दिस ग्राफ वी कैन सी जोन ऑफ टॉलरेंस. जोन ऑफ टॉलरेंस है बीच में, देखना ऑप्टिमम रेंज है. ओके, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ऑप्टिमम रेंज में प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर क्रिटिकल मिनिमम जोन में चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो प्लांट है उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी. और अगर क्रिटिकल मैक्सिमम जोन में है राइट साइड पे, तो वहाँ पे भी प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी. ठीक है, और दोनों के साइड में देखना जोन ऑफ इंटॉलरेंस है, तो यहाँ पे नो स्पीशीज विल सर्वाइव, मतलब यहाँ पे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन. दिस लेक्चर सीरीज विल बी कंटिन्यू फॉर CSIR NET, Life Sciences, GATE, BARC, ICAR, ICMR, DBT, MSc and BSc. Thank you.